सुप्रभात बच्चों, संस्कृत में पार्ट 12 आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे। पीए सेकेंड का ये लास्ट चैप्टर है। पाठ का नाम है भगवान श्री राम। पूरा काले सूर्यवंशे महाराज दशरथ प्रतापी राजा अभवत। स अयोध्या नगर्यां राज्यं करोति स्म। तस्य तीसरः पत्न्यः आसन्। दशरथः अतीव उदारः प्रजावत्सलः आसीत्। प्रजा तस्मिन् अनुरक्ता आसीत्। सर्वे जनाः सुखेन वसन्ति। परस्परं प्रेम्णा च व्यवहरन्ति स्म। हिंदी में अनुवाद। प्राचीन काल में सूर्य वंश में महाराज दशरथ प्रतापी राजा हुए। वे अयोध्या नगरी में राज्य करते थे। उनकी तीन पत्नियां थीं। दशरथ बहुत ही उदार प्रजावत्सल थे। प्रजा भी उनमें स्नेह रखती थी। सभी लोग सुख से रहते थे और परस्पर प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे। सेकंड पैरा है, कालांतरे दशरथस्य चत्वारा पुत्रा अभवन्। तेषु श्री रामः ज्येष्ठः आसीत्। अन्ये त्रय भ्रातरः लक्ष्मणः भरतः शत्रुघ्नः आसन्। ते स्नेहेन क्रीडन्ति वार्तालापं च कुर्वन्ति स्म। श्री रामस्य विवाह सीतया सह अभवत्। सीता जनकस्य आत्मजसीत। हिंदी में अनुवाद। कुछ समय बाद दशरथ के चार पुत्र होने हुए। उनमें श्री राम सबसे बड़े थे। अन्य तीन भाई लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न थे। वे प्रेम से खेलते और बातचीत करते थे। श्री राम का विवाह सीता के साथ हुआ। सीता जनक की पुत्री थी। थर्ड परा है, श्री राम पितु आज्ञा वनम अगच्छत। तस्य भ्राता लक्ष्मण पत्नी सीता च तेन सह अगच्छताम। वने लंकाधिपति राक्षस राजः रावणः सीताम् अपहरत। श्रीराम रावण यो युद्धम अभवत। युद्धे रावणस्य पुत्रः मेघनादो हतः। रावणस्य समग्रम एव कुलम् अस्मिन् युद्धे प्रणष्टम्। अन्ते रावणो अपि व्यापिदतः। रावणस्य अत्याचारेण जनाः पीड़िताः आसन्। अतः रावणस्य वधं श्रुत्वा ते सर्वे जनाः परमहर्षम् अगच्छन्। हिंदी में अनुवाद। श्री राम पिता की आज्ञा से वन को गए। उनके भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता उनके साथ गई। वन में लंकाधिपति राक्षस राज रावण ने राजा का अपहरण कर लिया। श्री राम रावण का युद्ध हुआ। युद्ध में रावण का पुत्र मेघनाद मारा गया। रावण का सारा ही परिवार इस युद्ध में नष्ट हो गया। अंत में रावण भी मारा गया। रावण के अत्याचार से लोग पीड़ित थे, इसलिए रावण का वध सुनकर वे सभी लोग बहुत खुश हुए। लास्ट पैरा है, रावण से मृत्यु पश्चात सीता तस्य कारागारात मुक्ता अभवत। श्री राम निज पत्नियां भ्रात्रा च सह अयोध्या आगच्छत। श्री राम अयोध्याया राजा अभवत। संपूर्णा प्रजा तस्य राज्ये संतुष्टा आसीत्। श्री राम लोकप्रिय राजा आसीत्। हिंदी में अनुवाद। रावण की मृत्यु के बाद सीता उसके
कारागार से मुक्त हुए। श्री राम अपनी पत्नी और भाई के साथ अयोध्या आ गए। श्री राम अयोध्या के राजा बने। सारी प्रजा उनके राज्य में संतुष्ट थी। श्री राम लोकप्रिय राजा थे। तो बच्चों, इस पाठ में आप लोग शब्द कॉपी में कर लीजिएगा। धन्यवाद।